बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? अल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। हम भी अपने घर में अल्लाह पाक के फजल व करम से ठीक हैं। तो आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये मायो चिकन कढ़ाई। तो ये मैंने तकरीबन किलो चिकन है और ये आधा किलो दही, ये थोड़ा हाफ प्याली मायो और दो टमाटर, दो सब्ज़ मिर्च, ये प्याज, तीन से चार प्याज हैं बारीक कटे हुए हैं। तो बाकी ये नमक मिर्च मसाला जात आपको डालते वक्त बताएंगे। कढ़ाई मैंने ऊपर रख दिया तो नीचे आग जला दिया। अब ये दो चम्मच इसमें ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऑयल गर्म हो जाता है, फिर इसमें चिकन डालना है। ये ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें चिकन डालती हूँ। चिकन घी में फ्राई हो गया, ये देखें कितना अच्छा कलर आया, लाइट ब्राउन इसको करना था। तो अब इसको ना घी से निकाल लेते हैं। मैंने ऑयल में से ये निकाल लिया चिकन, तो अब इसमें मैं दही डालूँगी। आधे घंटे के लिए इसको दही में रखना है मिक्स करके, तो उतनी देर मसाला बनाना है। तो ये आधा किलो दही है, ये इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारा इसमें लगा देना, मिक्स कर देना है। सादा दही है, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डालनी इसमें। तो ये मैंने चिकन निकाल लिया और उसी ऑयल में अब प्याज फ्राई करती हूँ। तो वो भी ये प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ दो चम्मच। तो अब इसको थोड़ा सा भूनते हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, वो भी भूज गया। अब टमाटर डालने लगी हूँ। ये बारीक काटे हैं टमाटर, तो इनको थोड़ा भूनते हैं और साथ ही ये नमक एक चम्मच और ये सुरख मर्च एक चम्मच। और ये दादर मर्च ये हाफ टी स्पून। ये जीरा ये भी हाफ टी स्पून। और ये जीरा मसाला का पाउडर ये एक चम्मच। अब इनको थोड़ा भून लेते हैं। टमाटर भी थोड़े नरम हो जाएंगे इसमें, तो मसाले भी मिक्स हो जाएंगे। तो मसाला जार डाले हैं खुश्क, तो थोड़ा पानी डालते हैं नीचे ताकि मसाला नीचे ना लगे। ये टमाटर अब गल गए, तो अब ये सब्ज़ मिर्चें दो छोटे इसके पीस की हैं ये डालने लगी हूँ। तो इसको भून के थोड़ा सा दो मिनट। तो अब घी छोड़ दिया मसाले ने। तो भी ये चिकन जो मैंने मिक्स किया था दही में, तो ये अब मसाले में डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये चिकन डाला है, अब इसको मिक्स करते हैं। और ये जो दही का पानी है ये थोड़ा खुश्क हो जाता है, फिर इसको भूनते हैं। तो
तो मुझे जो है दही जो डाला था उसका पानी खुशक हो गया और मैंने इसको थोड़ा सा भूना है तो ये बुझ गया। अब मैं इसमें ये मायो डालूंगी और इसमें मिक्स करेंगे। तो अब ये तैयार हो गई है, अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो ये मैंने मायो चिकन कढ़ाई बना ली है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप भी मेरी रेसिपी अपने घर में बना के खाएं। ये वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मज़े से मज़ेदार रेसिपी आपको वक्त पे मिल सके। तो ठीक है बुवेज, आप अल्लाह पाक आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।